मध्य प्रदेश के गुना हमले को लेकर अभी भी जांच चल रही है। बता दें कि अभी तक ये जवाब नहीं मिल पाया है कि गुना हमले के शिकारियों को किसका संरक्षण प्राप्त थे। वहीं इस हमले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही हैं, चाहे बात करें सोशल मीडिया से या फिर मीडिया को दिए बयान से। दोनों पार्टी एक दूसरे के नेताओं का कनेक्शन बीजेपी और कांग्रेस से जोड़कर बता रही है। सूत्रों की माने तो अभी भी इस मामले की सुई सिंधिया के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर लटक रही है। वहीं दिग्विजय सिंह के पुत्र ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था कि हमले से कुछ दिन पहले बात हुई थी जिसके सारे इंतजाम इन शिकारियों ने किए थे। वहीं कांग्रेस इस बात से भी मुखर नहीं सकती कि सबसे पहले इस हमले के आरोप के शक में कांग्रेस नेता ही आया था। बीजेपी जिला अध्यक्ष हीरेन्द्र सिंह बंटी बना, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया उप प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कॉल डिटेल्स की जांच की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शक के दायरे में आए थे, लेकिन अब मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं।